ये इनकी रिसेप्शन है और ग्रैंड की टिकट लगता है पर 300-300 का एंट्री पास होता है यहाँ का। बिल्कुल देखो क्या आज संडे का दिन है, आज पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी इसलिए देखिए पोर्ट ग्रैंड की इंट्रेस्ट जो है बहुत ही खूबसूरत बनाई है उन्होंने। पैसे भी अगर कम पड़ जाए तो यहाँ पर ATM वगैरह लगे हुए हैं। सुबह सुबह के ये जो सीन है देखने वाले, लेकिन एक चीज़ और है, ये कचरा जो है ये भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ के इंतज़ामिया से मैं गुजारिश करूँगा ये समुंदर के माहौल को ज़रा साफ़ करें, कितना कचरा है आप देख सकते हैं वॉचर्स, आप देख सकते हैं कितना कचरा है पानी के अंदर। बहुत अच्छी जगह है, अगर यहाँ पर थोड़ा वर्किंग किया जाए तो बहुत ही अच्छी जगह है। सर आपके लिए सुबह से उठने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? भाई सर यहाँ पर आने का तो इतना आसान है, विद मलीर मॉडल कॉलोनी से यहाँ तक मैं विद इन ओनली 24 मिनट्स में पहुँचा। सुबह सुबह खाली होता है, सुबह सुबह ऐसा स्मूथ। और चलो आप लोग, आप लोग मेरा व्लॉग देखा करें, बहुत अच्छे बनाता हूं, बहुत मेहनत करके बनाता हूं। बिल्कुल थैंक यू। आप आज दोनों जो है मेरे व्लॉग में ओपनिंग किए ना आपने। देखिए मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पर कचरा कितना देखें समंदर में, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं बिल्कुल, और ये माहौल के खिलाफ जो है ना बहुत खिलाफ जाती है बात कि इंतज़ामिया जो है वो एक पाकिस्तान में, मैं इन लोगों से कह रहा हूँ जो यहाँ पर जिम्मेदारान हैं इसके समंदर के, दुनिया में हर जगह समंदर में बड़े साफ सुथरे होते हैं। तारिक भाई ये तो अभी बहुत साफ़ हो गया है क्योंकि आने वाली हुकूमत ने इसमें बड़ा काम कर लिया, अदरवाइज तो यहाँ पर ऐसे स्मेल आती थी कि हम आ भी नहीं सकते थे। और सब ठीक है? बस जज़ाकअल्लाह। चलो फिर इंजॉय करें। ये हमारे दोस्त पहले से यहाँ मौजूद हैं, देखिए आपको नज़र आएगा। सुबह सुबह लोगों को जमा करना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त मैं पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हूँ, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया। साबिर भाई जिंदाबाद, साबिर भाई लंदन वाले, यू आर नाइस पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। स्मार्ट कैसा लग रहा हूँ? सही लग रहा हूँ। नाइस, यू आर आल्सो स्मार्ट बट टुडे इज वेरी स्मार्ट। थैंक यू, थैंक यू। और साबिर भाई कितने बजे आए थे आप? अभी भी आए यार। साबिर भाई, साबिर भाई हमारे बहुत ही सीनियर वकील हैं और ये भी फॉरेन कंट्रीज के टूर करते रहते हैं, इनके भी बच्चे माशाल्लाह वकील बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बैरिस्टर है बेटी भाई, बेटी बैरिस्टर है भाई, और लंदन जाते रहते हैं, उनकी सेरेमनी में भी गए थे ये, तो हमें याद रहता है साबिर भाई का। थैंक यू साबिर भाई, वेलकम। अरे हमारे दोस्त मौजूद हैं सर, अरे सर 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 सर, बहुत बड़े आदमी सर, आज आपको बाहर कर दिया गया। सर आज सुना आप इलेक्शन लड़े, अपना तारुफ तो कराए अपना पहले सर, लोगों को यासर चुपताई हाई कोर्ट बार में MMC की। मैं जानता हूँ इसलिए मैं आपके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। जी जी सर, MMC में आप आकर जो है वो क्या करेंगे सर? बस भाई अपना बुखला के लिए वेलफेयर कर सकते हैं अपनी, उसकी उनकी वेलफेयर के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस कानून पर काम करेंगे। 497 में जो डायरेक्शन दी जाती है उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात करके आपने ये लायमा तैयार करना है कि बुखला साहबान जो आते हैं उनके केस मेरिट पर डिसाइड किए। वो तो ऑफिस में इसको देखेंगे हम, आप सब मिलकर कमेटी कमेटी हम उनको सपोर्ट जरूर करेंगे जो भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सुबह सुबह जो है ये शहजाद भाई जो है हमारे मौजूद हैं यहाँ, कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सी चौक के, रुए रवा हैं जो सारे अरेंजमेंट करते हैं, सुबह शाम जो अरेंजमेंट करते हैं। शहजाद भाई अरेंजमेंट दिखाते हैं सर, अभी देखें ये सुबह सुबह के जो आइटम हैं, अब ये इन्होंने शुरू किया है, लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। लस्सी भी है, लस्सी का भी अहतमाम है, ऊपर भी लगाया हुआ है। अच्छा भाई शबाना शेख मौजूद है हमारे दरमियान,
हेलो मिस्टर तारिक, हाउ आर यू? जनरल सेक्रेटरी सी चौक साहब कैसे हैं? आई एम सो गुड. हफीज लाशारी साहब जबरदस्त. आज तो आज तो आप वाइट ही वाइट है यार. आज क्योंकि मैं फरमानुल्लाह के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाऊंगा इलेक्शन मुहिम के साथ. जिंदाबाद. ये लगा ये पहन के मैं तुम्हें इसीलिए फरमान का क्या लगा के साथ खड़ी हो जाती हूं. पाकिस्तान का झंडा बन गया. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. बड़े बॉय बड़े बॉय. जुल्फकार साहब, सैयद जुल्फकार अहमद शाह साहब, आपको आपको बहुत ही बर्थडे की मुबारक सर. आपको बर्थडे मुबारक. बर्थडे बॉय हमारे सर. फरमानुल्लाह खान है हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में. फरमानुल्लाह खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं. ये लोगों ने इन्होंने लोगों के बिजली के गैस के बिल बहुत कम कराए और लोगों को बड़ा हेल्प आउट किया है. खासकर इन पिछले दिनों इनके प्रोजेक्ट में क्या नाम है सर वो आपके प्रोजेक्ट में फ्री वे हाइट्स के अंदर गैस का इशू था, तो आपने बड़ी मेहनत से काम करते हुए इस मसले को सॉल्व किया. सर 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 मैं याद है क्योंकि मैं भी उसमें इंटरेस्टेड था उस फ्लैट इस प्रोजेक्ट के अंदर. विजिट भी किया था लेकिन मैं अभी भी तैयार हूँ. लेकिन मैं जरा सोचता हूँ क्या करूँ. बाबूजी सुबह 7 बजे खुल गए. इनके बाबूजी के जो मेन्यू है ये सामने लगा हुआ है. सुबह नाश्ते में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर वो लगी हुई सर. आलू तरकारी, चना, सालन, बीफ निहारी, बीफ पाया, दम कीमा. उसके बाद बहुत इस तरह के बहुत आइटम्स लगे हुए हैं. कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा लग रहा है. साले समुद्र के किनारे अगर खाना पीने का मौका मिलता है. सी चौक वालों की मेहरबानी है. मैडम भी हमारी कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट की कराची बार एसोसिएशन के अंदर और बहुत एक्टिविस्ट हैं पॉलिटिक्स के अंदर. ये भी अक्सर हमें लाल किला में दावत देती हैं. बहुत शुक्रिया आपका. ये खाने में अच्छी चीज़ है माशाल्लाह. अच्छे आइटम है. साईं जा ख्वाब वो HBL. ये पूरी तैयार हो रही है. अब इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. 600-700 लोग आ जाएंगे. इसके अंदर क्या है सर? ये अभी लग गया सर. कितने आइटम है आपके पास सुबह नाश्ते में सर? 35. जबरदस्त. तो ये लोगों को बताना चाहेंगे क्या आपका रेट है इसमें? क्या सुबह पर मंथ या पर पर्सन? सर पर पर्सन ही हमारा जी ट्रिपल. तो डबल वन. ठीक है जबरदस्त. 35 निहारी है. 111 नहीं 1100 ट्रिपल वन हो गया. ठीक है जबरदस्त. निहारी है, पाया है जी जी, कीमा है, ऑमलेट है, चाउमीन है, फ्राइड है. यहाँ सुबह सिर्फ आपका रेस्टोरेंट खुला था यहाँ और बाकी इसके अलावा एक बालकनी रेस्टोरेंट है वहाँ भी किया. अच्छा ठीक है चले. अच्छा है नहीं है लोग आए तो उनको सुबह संडे के दिन खासकर अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाएगी. थैंक यू. मसूद भाई सर, ये तो आप सर वो आइटम खा रहे हैं जो जो बच्चे केरों ने हर चीज़ रखी हुई है. इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट का सारे आइटम हैं. ये हमारे यहाँ थोड़ा ट्रेडिशन कम है. ये बीच नहीं आ रही है. बहुत आइटम में लाइन लगी हुई है. लस्सी पीने का मज़ा जो है ना वो सुबह के वक्त ही है, इसलिए मैंने सोचा पहले लस्सी पी जाए बाकी बाद में जो है सारे आइटम को चेक करेंगे. लस्सी पी लो, लस्सी पी लो, मेरी बनाओ. शहजाद इस दफ़ा मैं पहले खा रहा हूँ, बाद में रश हो जाता है. सर आपका म्यूजिक भी हम सुनेंगे. थैंक यू. क्या आबिद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, हुमल ज़ुबैदी बैठे हुए हैं और हमारे भाई देखें कम खा रहे हैं. हमारे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, हमेशा कम खाते हैं. ये देखें सुबह सुबह के आइटम जो है. इस वक्त रश है और रश होता जा रहा है वक्त के साथ साथ. ये हमारी बहन भी हैं, हमारी भाभी भी अकेले देखे खा रही हैं. लग रहा है अपने हस्बैंड का हिस्सा भी खा रही है. आप ये सारा अकेला खाएंगे? नहीं,
आप अच्छा आपका थोड़ा सा ही है। अच्छा मैं बड़ी दूर से आया, मैंने कहा ये सारा अकेले अकेले खाएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे बचपन के दोस्त सईद भाई कहाँ हैं? किधर है? मानुल्ला काकड़, आप छुप के क्यों खा रहे हो यार? आदमी तो उतना ही खाना जितना खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। नहीं, लोग नजर लगाएंगे और इतना सा खाना, इस वजह से मैं छुप के खा रहा हूँ। कोई भी पठान देखिए, पठान इतना सा खाना खा रहा है यार। पठाने को अजीब मखलूक थोड़ी है, पठाने को अल्लाह ने सेहत दी है, मेहनत करता है। असल में बात ये है कि पठान हसद ही है, हसद ही रखे, हसद रखने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग दिल के साफ हैं, कैरेक्टर और सर सी चौक का काकड़ होटल और फलानी जगह से तरक्की करके पोर्ट ग्रेड तक पहुंच गया, इसका मतलब अगला टारगेट जो है पर्ल कॉन्टिनेंटल होगा, बीच लग्जरी होगा, ये इस तरह है। थैंक यू सलीम मंगरियो साहब आ चुके हैं। सलीम भाई सर, आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है और सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका क्या है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और खा रहे हैं। बिल्कुल होना ये सबसे अच्छा है, कोई कोई किसी किस्म का रश नहीं है, होना यही चाहिए। इसलिए कि हमारे उस्ताद दिल्ली वाले थे मोहम्मद जकी अहमद साहब, तो उनके यहाँ एक तो टाइमिंग की पाबंदी होती थी और दूसरे हमारे मेहमान दोस्त थे वो यही करते थे, भाई दावत है, रात की है, डिनर है, जो भी 9 से 11 की। एक बंदा जो पहले आया है वो दूसरे की वजह से क्यों सफ़र करे? यहाँ पर सिलसिला यही है, जो आए जाए और जो बैठे वो बैठे और बड़ी तसल्ली से बैठ के खाया है। और इसके बाद ही मैंने वीडियो शुरू किया है। ये हमारे सलीम मंगरियो साहब प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर, और 26 तारीख को हफ्ते का दिन होगा और आप लोग तमाम जो लोग हैं वोट डालने के लिए ज़रूर तशरीफ लाइएगा। और सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, थैंक यू। थैंक यू अरे अमान भाई की, अमान काकड़ साहब की बहुत ही क्यूट सी बेटी। बेटा क्या नाम है आपका? आनिया किस क्लास में पढ़ती हैं? वेरी गुड बेटा, आपका नाम? बड़े हो गए क्या बनोगे? वेरी गुड, ये तो आज मैंने पहली बार सुना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू कालू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू। ये मैं अपने सी चौक के इस प्रोग्राम के अंदर फिरोज साहब जो कि आज पहली दफा आए हैं, खबर खुद ही आए होता हर महीने हर ट्रेन में, जो कि बहुत ही प्रिंसिपल के आदमी है, सी चौक बड़े चूजी हैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। लेकिन ये सी चौक की मेजबानी है और आपने देखा भी गफार भाई, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। एक्चुअली ऐसा एक फैमिली है, रिस्पेक्टेबल वकला जो है फैसिलेट करने की कोशिश कई, ताकि याद हों तो पा भी रानीपुर में भी डिनर से वो भी रिस्पेक्टिव हो, तो अस इलाही मानू आया पर भी अरेंज कर डिनर जो हाँ मुझे लाइ यो तमाम वही खुशी की गाल अस जी अचूँ था तो असर उन कोर्ट की उन शहर की आलूदा माहौल जो हों जो तमाम घो नुकसानदेह अस अचूँ असटी इंजॉय अचीवमेंट आ कोई हैबिचुअल इलेक्शन वेणारो ना खबर आज आयो इतने मुझे मकसद साईं तां पढ़ाकू माण्हू आहे रशीद साहब जो एसोसिएट रहियो आहे भाई वॾी महिनत कई आहे तव्हां जेको आहे असां गॾु जेको केस वेस हलाए जेको आहे सॼी सॼे कमकार करण वारो माण्हू आहे असां पॉलिटिक्स में तव्हांखे ॾिठो ई कोन करे पर वरी तव्हां आयो आहे वॾे हे प्रोग्राम जेको पोर्ट ग्रैंड तव्हां डिस्कवर कयो आहे इन खां पहिरियां असांखे ख़बर ई कोन भाउ हिते नाश्ते जा प्रोग्राम हूंदो आहे सुबुह सुबुह पोइ ख़बर पई भाउ इरफान साहब जो त करायो आहे अरेंजमेंट ख़बर पई वकीलनि खे बाबा हाणे वकीलनि सॼा प्रोग्राम हिते ई हूंदा पोर्ट ग्रैंड ते महरबानी तारिक भेण जेको आहे मूंखे बिलीव कयो त मां पाण बि कॾहिं अॻु में हिते नाश्तो न कयो हुयुमि कॾहिं मां पाण बि न आयुमि पर मुंहिंजो इहो हुयो त मां पंहिंजे वकील भाइरनि खे वकील दोस्तनि खे मां पंहिंजे लाइ बहितर सम्झां जेको मां सम्झां त मुंहिंजी जेका फैमिली अचे जेका मुंहिंजा ॿाहिरि अचे दोस्त अचे उनखे मां कहिड़ो वेन्यू ॾियां हिन सॼी शइ खे सोचींदे मां
कोशिश कई तो वकील दोस्तों के जो है अड़ो माहौल प्रोवाइड कर हाँ तुम ऐसो इतने कें शे की कमी न थी नजर अचे मां सलीम मंगरे साहब के भी मुबारक तो जो कामयाब प्रोग्राम थे अस इतने कें वेट ना क्यों तो कोई अचे तो अस नाश्तो स्टार्ट कई अस प्रोग्राम में अस सब अस रशीद रिजी साहब सब अस आबिद जुबेरी साहब हर कें अल्लाह ताला पाँ पाँ इज्जत दिनी और तीन यह गाल रशीद रिजी साहब जो पे एसोसिएट रो आया शागि यो मुझे लाइ तमाम फख्र की गाल तमाम मुझे लाइ तमाम वही गाल अज तुझे को भी उस्ताद न हो अज भी वो रशीद रिजी साहब मुझे उस्ताद न साई इरफान मेमन साहब तुम्हारी वही मेहरबानी साई कैंडिडेट है इनमें सिंध हाई कोर्ट बार का अचान वो जो अपकमिंग इलेक्शन आ 26 तारीख जो डिसाइड थी 26 नवंबर जी इनमें साई जन सिख जो उम्मीदवार सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में और साई अस दुआगो हों तुझे लाइ वही मेहरबानी तुझे असा टाइम दिनों तक मेहरबानी साई थैंक यू यहाँ सिलसिला के आए खाएं और जाएं भाई अच्छा प्रोग्राम है आए खाएं और जाएं भुगियो साहब आज प्रोग्राम छा है अच्छो वंजो और वंजो अच्छो खाओ और वंजो ना तबाह करने की जरूरत नहीं मानोगे खाओ मोहब्बत से कचरी के अरे यूनुस भाई क्या हाल है माशाल्लाह थैंक यू सर थैंक यू फरहान भाई अस्सलाम वालेकुम सर आज अच्छा प्रोग्राम है आइए खाइए पीजिए और निकलिए लेकिन हम 11 बजे से पहले नहीं निकलेंगे आबिद फिरोज साहब मौजूद हैं खाने में बहुत मशगूल हैं बिल्कुल साइड में नजर नहीं मार रहे पाए खा रहे बहुत अच्छा म्यूजिक है भाई कैसे हैं आप आइए ऊपर भी जाके देखिए रश है ऊपर से भी दिखाते हैं आपको सारा कुछ ऊपर भी रश है अरे मैं कह रहा हूँ मेरा भाई गायब है मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ है डॉक्टर ने मना किया इससे ज्यादा नहीं खाना चलो अच्छी बात है इससे बहुत जबरदस्त कौन से डॉक्टर हमें बता दे भाई ऐसा कौन सा डॉक्टर है जैसे आप एक मैं एक तुम तीसरा कौन सा सर माशाल्लाह वो छोटू बहुत प्यारा है थैंक यू सर टू कॉपी है थैंक यू फोटोस्टेट निकाल दो छोटी कॉपी भी नहीं थैंक यू सर बहुत आज सुकून से लोग बैठे हुए शहजाद भाई आज लोग बहुत सुकून से बैठे हुए तो तुमने डॉक्टर ने कहा था एक खा रहा तुम दूसरी क्यों खा रहे हो रिपीट कर रहे बार बार अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन कैसी हैं आप फरहान भाई ये राजपर साहब जो है खाने पीने में लगे भाई क्यों आगे पीछे देख लेते आदमी यार सरा नहीं करो यार देखिये हम कैमरे की ये उसके साथ डालू या ये एक्चुअली आप आपका भाई जो है बहुत मशकूक आदमी है ताकि शादिया भी लगाना शुरू शादिया जी ये ट्रैकर है अच्छा आपको तो डिवाइस की जरूरत नहीं है आपके साथ ही होता है हाँ ये देखें ये नेक बैंड लगा हुआ है नेक बैंड
और इससे आप जो है स्पाई इन्फॉर्मेशन जो है लो ले सकते हैं कि इस वक्त आपकी करंट लोकेशन क्या है। जी 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 कैसा है, क्योंकि आपका भाई शुरू से मशकूक है ना, आपको तो पता था। ये बड़ा मसला है कि ये इन भाभी को बहुत देर से पता लगा कि आपने मेक्सिको। चलो चलो यार, अच्छी बात है, पता लग गया उनको। चलो और सब ठीक है, बहुत मजा बहुत मजा। नहीं वो आपको आपको भी पता लग गया था, सुना है, पता लग गया था। फिर आपने डिवाइस क्यों नहीं लिया, आपने अपने भाई से मशवरा करना था ना। क्योंकि आपका भी रोज कोर्ट में आना होता ना, इसलिए खबरें आ जाती हैं। इसके साथ ही भाई खड़े हो, खाया पिया आप निकले मेरे ख्याल से, अभी तक रश है, वैसे अभी तक रश है। सभी हमारे खड़े हैं, सभी कैसे हो, सभी ज्वाइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हो तुम कराची बाहर में भी? वेरी गुड। और अबू आ गए? अबू आ गए लंदन से, लंदन से। महमूद भाई लंदन वाले हैं, और सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। अरे जेड जो मुजाहिद जहीरुद्दीन मुजाहिद साहब खड़े हैं, इनके साहबजादे भी वकील हैं हाई कोर्ट के, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर 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 इरफान मेमन साहब तबाह करे छोड़ियो, साई 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 खट्याण साहब, ये हमारे बहुत ही पुराने दो दोस्त खड़े हैं, कॉलेज फेलो हमारे, और हमारी तरह के बिल्कुल, ये इनका नज़रिया पे हमारा वाला नज़रिया है, और ये हमारे नज़रिए पे फिट बैठते हैं, और इसी नजरिए की वजह से हम सबकी दोस्ती हुई है। तारिक भाई जिंदाबाद। शर्त तो मुमताज तारिक भाई, भाई देखो मुमताज जैदून के ऊपर खड़ा है। वो हमारे नजरिए वाला नहीं है, उसके बाद मैं संजीत हूं, उसकी शादी नहीं करता। हमारा भाई जो है, तीन दोस्त है हमारे, एक नजरिए वाले, एक नजरिए वाले। ये हमारे शहीद जदून भाई, सैयद जुल्फकार अहमद शाह साहब और तारिक महमूद, ये एक नजरिए के दोस्त हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हमारा टारगेट एक ही है, एक ही नजरिया, एक ही टारगेट, और ये आज बहुत दिनों के बाद हम तीनों एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सुबह साहब भी आ गए, ये हमारे नजरिए वाले नहीं है। हमारा जो नजरिया जरूरत है वो हम तीनों ही समझ सकते, कोई नहीं समझ सकते। सुबह सुबह की इंटरटेनमेंट है। अरे कहाँ जा रहे हो अंकल? नहीं तबाह करे छोड़ो, तबाह करे छोड़ो, सही तबाह तबाह। माय डिस्ट्रिक्ट होस्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड जनाब सलीम मुंडियो साहब। अरे पखर रहा अगले मसरा मसरा संगे रास्ता दो भाई, रास्ता दो, रास्ता है अभी रिवर्स गियर भी मारो ना, इधर रिवर्स गियर मारो, रिवर्स गियर मारो, थोड़ा रिवर्स गियर भी मारो, बोलो रिवर्स गियर मारिए। तरीके से खाए सर, ये कितनी था, कौन सा नंबर, कितने नंबर पे ये आप दसवीं दफा तो नहीं खा रहे, दसवीं दफा तो नहीं खा रहे ये चौधरी साहब, दसवीं दफा तो नहीं खा रहे सर, सुबह 8 बजे से लगे हुए आप, खुदा का वास्ता सर, बस करते हैं, अल्लाह का वास्ता है।
सर सलीम भाई हाथ जोड़ने के अल्लाह का सहमत करो यार। Thank you.